तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में और ये होने वाला है हमारा WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल 2021 का रिव्यू, यानी कि जो भी चीजें कल रात के शो में हुई उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऑब्वियसली ये मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि वीडियो में आपको सुबह टाइमली दे सकूं। बहुत लेट मैं इसका रिव्यू नहीं करना चाहता और बहुत समय से हम इसके स्पॉयलर अवॉइड कर रहे थे और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि ये शो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, तो ये वो वीडियो होने वाली है गाइस। फटाफट से आप इस पर लाइक कर दें और अगर आपने इसको कल टीवी पर रात को देखा था तो डेफिनेटली अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। आपकी बेस्ट मोमेंट क्या थी, आपका बेस्ट मैच कौन सा था इस शो के ऊपर, आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस डेफिनेटली देने ना भूलें। अब इस शो में कहना चाहता हूं कि मैंने इसको जब थंडरडोम में लाइव देखा था बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा था, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ खास मेरी एक्सपेक्टेशंस यहां पे थी नहीं, लेकिन क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाई गाइस उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमें अभी इन रेसलर्स के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर डालना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट सभी का ये पहला मैच है और हम अगर ऐसा बोलें कि जाके ये बहुत कमाल कर दें और ये अपनी पहली परफॉर्मेंस में ड्रू मैकइंटायर, एजे स्टाइल्स, रिकोशे जैसे सुपरस्टार्स के लेवल्स को मैच कर दें, ये सोचना अपने आप में बहुत बकवास बात है। तो मैं ये देखना चाहता था कि आखिर क्या इनमें पोटेंशियल है, क्या ये एक अच्छा मैच दे सकते हैं। और डेफिनेटली गाइस इस शो से काफी सारे पॉजिटिव्स निकल गए। इसको मैं रॉ स्मैकडाउन की तरह रिव्यू नहीं करने वाला कि क्या अच्छा था क्या बुरा, क्योंकि एक वन ऑफ शो था, कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, सिंपल मैचेस हमें देखने को मिले। तो सबसे पहला जो मैच था इस शो पे गाइस वो था एनएक्सटी चैंपियन फिन बैलर का अगेंस्ट गुरुराज। अब ऑब्वियसली आपने कल मेरी वीडियो देखी थी, गुरुराज जो है वो द ग्रेट खली के स्टूडेंट है और यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि जबकि इनकी फिजिक उस टाइप की नहीं थी कि हम बैलर से इनको कंपेयर कर सकें, लेकिन तब भी इन्होंने एक अच्छा मैच दिया। मेरे हिसाब से इन्होंने बेकार मैच नहीं दिया, इनके एंट्रेंस का म्यूजिक मुझे काफी सही लगा और बैलर ऑब्वियसली यहाँ पे गाइस इस मैच को जीत गए। कुछ ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गुरुराज जाके अपने ऑलमोस्ट पहले ही मैच में यहाँ पे फिन बैलर यानी कि एनएक्सटी चैंपियन को हरा दें। तो ऐसा नहीं था कि WWE क्योंकि इंडिया का शो है तो सारे इंडियंस को जिताए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस मैच में कई सारी ऐसी मोमेंट्स हमें देखने को मिली गाइस जहां पे मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल डेफिनेटली गुरुराज की मैंने देखी है और मैं यही कहूंगा कि इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई, इनको और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, इनको किसी गिमिक की जरूरत है, इनको अच्छी थोड़ी प्रोमोस क्वालिटी की जरूरत है और उसके बाद जाके कंप्लीट सुपरस्टार बनेंगे। लेकिन इतना बुरा मैच डेफिनेटली नहीं था। मैं कहूं कि भाई फिन बैलर इतना ऊपर और ये बंदा कहां इतना नीचे, ऐसी मुझे कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी और फिन बैलर गाइस यहां पे इस मैच को जीत गए। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये एक 8-man टैग टीम मैच था और यहां पे सबसे कमाल की चीज मुझे लगी ये टैग टीम का कॉम्बिनेशन, क्योंकि रिकोशे और रे मिस्टीरियो जो कि दो छोटे रेसलर्स हैं इनके साथ डाला गया जायंट जंजीर और शैंकी को, और मेरे हिसाब से गाइस ये काफी यूनिक कॉम्बिनेशन था। एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे मूव्स होंगे जहां पे उठा के अपने पार्टनर्स को फेंकेंगे, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें यहां पे देखने को मिला। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भाई एक बंदा 7'2" हो, दूसरा 7' हो, तो हम इनसे एक एथलेटिक मैच तो अभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते और क्लियरली दोनों को देख के लग रहा था कि काफी अभी ये ग्रीन है, काफी इनको जरूरत है। लेकिन मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि भाई ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी हम इनको इस तरीके से जज नहीं करेंगे कि क्या ये बंदा WWE चैंपियन बनने के लिए रेडी है, क्योंकि उतना आगे हम जा ही नहीं रहे। अभी सिर्फ हमें शोकेस पे दिखाया गया कि क्या इनकी कैपेबिलिटी है और डेफिनेटली दोनों गाइज अच्छे जायंट रेसलर्स बन सकते हैं और एक अच्छे कंप्लीट सुपरस्टार में जैसा कि मैंने कहा बहुत सी चीजें डालनी और भी जरूरी है, सिर्फ लुक या रेसलिंग जो है वो काम नहीं करती। और इस मैच के अंदर जो इनकी ऑपोजिशन की टीम थी उसमें सारे हील डाले गए, यानी कि डॉल्फ ज़िगलर, किंग कॉर्बिन, नाकामुरा और साथ के साथ थे सिज़ारो। तो इन्होंने अच्छा मैच देने की कोशिश करी, जैसा कि मैंने कहा मोमेंट्स थी कई सारी, जैसे यहां पे पहले जायंट जंजीर जो है वो रिकोशे को उठा के बाहर फेंकते हैं अपने पार्टनर्स पे और एंडिंग मोमेंट भी कुछ इसी तरीके थी कि रे मिस्टीरियो लगाते हैं 619 सिज़ारो को और उसके बाद जो शैंकी है वो अपने कंधों पे उठाते हैं रे मिस्टीरियो को, वो एक स्प्लैश लगाते हैं सिज़ारो को, उनको पिन करते हैं और यहां पे गाइस ये विक्ट्री ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैं कहूं भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्या कमाल का 8-man टैग था, लेकिन डेफिनेटली फिर से पोटेंशियल वाइज दोनों बंदे अच्छे लग रहे हैं मुझे और इन पे काफी काम की जरूरत है और उसके बाद ये मेन रोस्टर लायक बनेंगे। उसमें हो सकता है 2-3 साल का टाइम लगे, लेकिन डेफिनेटली गाइस ये सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसके बाद हमें एक ऐसी चीज देखने को मिली जो कि थंडर डोम वाली टेपिंग में नहीं थी और मैं आपको बता दूं दिस वॉज नन अदर देन द अपीयरेंस ऑफ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। जी हाँ, ये एक्चुअली में वहां पे नहीं थे, यानी कि अरीना के अंदर अपीयर नहीं हुए, लेकिन हमें रोमन की तरफ से एक प्रोमो गाइस सुनने को मिला और वो कहते हैं देखो भाई सिर्फ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स की ही टेबल पे खाना रखना मेरा काम नहीं है, पूरी WWE में जो भी सुपरस्टार उस रिंग के अंदर स्टेप इन करता है सारों की टेबल पे मुझे खाना रखना है, वो मेरी यहां पे रिस्पांसिबिलिटी है। और वो कहते हैं इस चीज को मैं ऐसे ही नहीं करूंगा जब तक मुझे वापस पेमेंट नहीं मिल जाती किसी फॉर्म में, लेकिन वो कहते हैं ये पेमेंट आज हम नहीं लेंगे। पॉल हेमन विश करते हैं रिपब्लिक डे और वो यहां पे गाइस यहां से चले जाते हैं। तो ये बैक स्टेज प्री टेप प्रोमो था और एक काइंड ऑफ मुझे एक टीज लग रहा है कि स्मैकडाउन पे रोमन रेंस
कोई अनाउंसमेंट करने वाले, किस रिगार्ड में वो होगी कुछ आइडिया नहीं मिला, लेकिन गाइज इनकी अपीयरेंस डेफिनेटली हमें देखने को मिली। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइज, तो ये प्रॉबली इस पूरे शो पे बेस्ट मैच था, AJ स्टाइल्स अगेंस्ट जीत रामा। और मैं यही कह रहा था, बहुत से लोगों को मैंने रोहित को भी वह बात बोली कि भाई AJ स्टाइल्स अगर मेरे घर का झाड़ू उठा के भी उसके साथ मैच लड़ना शुरू करेंगे तो प्रॉबली एक 4-स्टार मैच वो दे जाएंगे। और जीत रामा इतने इंप्रेसिव लगे कि मैच के बाद मैं सोच रहा हूँ क्या ये जीत रामा है या फिर AJ स्टाइल्स की मैं तारीफ करूँ, किसको मैं बोलूँ कि ये मैच बेटर है। लेकिन डेफिनेटली मैं कुछ भी दूर नहीं छीनूंगा यहाँ पे जीत रामा से। मेरे हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी। ये एक ऐसा रेसलर है जो कुश्ती से उठ के WWE के अंदर गया तो वैसा ही काइंड ऑफ उसको स्विच मिला है जो कर्ट एंगल को मिला था, और उसको टाइम लगेगा प्रोफेशनल रेसलिंग के वर्ल्ड को सीखने के लिए। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छे रूट पे हैं। Triple H ने उनकी तारीफ करी, ट्विटर पे भी उनके लिए कुछ डाला था, तो ये डेफिनेटली बताता है कि वो सही रूट पे जा रहे हैं। एक मोमेंट थी इस मैच के अंदर जहाँ पे AJ स्टाइल्स ने पूरे मतलब अपना बेस्ट काफ क्रशर लॉक लगाया, लेकिन तब भी जीत रामा जो है गाइस उन्होंने टैप आउट नहीं करा, एंड एट द एंड ही लॉस्ट टू अ फिनोमिनल फोरआर्म, क्योंकि ओमोस जो है वो AJ स्टाइल्स को बचा लेते हैं टॉप रोप पे और जीत नीचे गिर जाते हैं। तो ये मैच ऐसा नहीं था कि वन साइडेड था और AJ स्टाइल्स इजीली जीत गए। जीत रामा ने एक अच्छी टेक्निकल परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर मैं कहूंगा यहां पे कि जीत रामा मुझे इंप्रेसिव लगे, AJ स्टाइल्स का इस मैच में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जिस तरीके से भी इसको करा है, मतलब आपस में सेट करा है मैच को, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था गाइस, और ये मेरे लिए था मैच ऑफ द नाइट। इसके बाद हमें देखने को मिलता है द न्यू डे आते हैं बाहर, वो सबको विश करते हैं रिपब्लिक डे, फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। यहां पे एक भांगड़ा की परफॉर्मेंस होती है और स्पिनिंग कैनवस नाम का एक डांस ग्रुप था जिनकी तरफ से हमें काफी डांस भी देखने को मिला। अब मुझे पता है आप लोग UP, गुजरात, अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करते हैं, और लोग हमेशा ये सोचते हैं कि WWE की परसेप्शन ऐसी क्यों है कि जब भी कोई इंडिया शो होता है तो भांगड़ा, पंजाबी सब कुछ रखना है। इसके पीछे मुझे भी कोई रीज़न नहीं पता। प्रॉब्ली शायद इस वजह से क्योंकि आज तक जितने भी WWE के स्टार्स आए हैं वो पंजाब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मे बी इसका रीज़न ही हो सकता है। आई डोंट नो कि क्या वो इंडिया को एज भांगड़ा ही देखते हैं या फिर जो टिपिकल चीज़ें होती हैं जैसे गले में माला डालना या फिर टीका लगाना, ये सारी टिपिकल चीज़ें हैं जो कि WWE करती है तो अच्छा ज़रूर लगता है, एक हमारा ट्रेडिशनल टच आता है। लेकिन ऑब्वियसली उनको शायद ये बात उतनी पता नहीं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी ट्रेडिशंस, और शायद और लोगों को ये उतना पसंद नहीं आ रहा हो, जबकि मुझे इससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। एक ऐसी चीज थी जो अगर हो रही है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो रही तो भी ठीक है। अगला मैच जो हमें देखने को मिला गाइस ये भी काफी इंटरेस्टिंग था, जहां पे सरीना संधू पार्टनर कर रही थी शार्लेट फ्लेयर के साथ, और इनका मैच हो रहा था बेली और नटालिया के अगेंस्ट। और इस पॉइंट पे मैं थंडर डोम पे रिंग साइड पे आ चुका था, मैं एक वीडियो बनाऊंगा 4-5 मिनट की, छोटी वीडियो रहेगी कि आखिर थंडर डोम में ऐसा अलग क्या था, क्या एक्सपीरियंस था, वो शायद मैं आज ही अपलोड कर दूंगा दिन में, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें क्योंकि काफ़ी कंटेंट है जो बनने वाला है। और गाइस डेफिनेटली मैं बता दूं कि ये मैच में एक्सपेक्टेशन फिर से मेरी कम थी, क्योंकि सरीना संधू को मैंने कभी देखा नहीं था और मैं थंडर डोम में देख रहा था, मुझे कोई स्पॉयलर्स पता नहीं थे, लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने एक एवरेज परफॉर्मेंस दी। ऐसा भी नहीं कहूंगा बढ़ चढ़ के कि भाई कमाल कर दिया, मज़ा आ गया, क्योंकि शार्लेट बेली और नटालिया तीन एक्सपीरियंस्ड, इतने साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनके पास, इतने कमाल के वो सुपरस्टार्स हैं, उनके साथ अगर एक ऐसे एमेच्योर को डाल दिया जाए या फिर एक रूकी को डाल दिया जाए जिसका पहला मैच है, भाई ऑब्वियसली वो शाइन नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ मैं कहूँगा कि उन्होंने तब भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, और सबसे बड़ी मोमेंट ये थी कि उनको पिन लेने का यहाँ पर मौका मिला, वो अपनी टीम के लिए इस मैच को जीतती हैं, तो उनके लिए स्टार्ट है और उनके पास एक्सपीरियंस डेफिनेटली है, लेकिन इस लेवल का नहीं है जो कि WWE के लिए चाहिए। और उनको भी जब डेवलपमेंट के थ्रू डाला जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, आई एम श्योर कि इन द कमिंग ईयर्स वो भी एक अच्छी फीमेल सुपरस्टार्स बन सकती हैं। और बहुत कम फीमेल सुपरस्टार्स ऐसी हैं गाइस जो कि एक्चुअली में WWE में जा रही हैं इंडिया से। और कविता देवी एक और ऐसी सुपरस्टार हैं जो कि लोग सोच रहे थे क्यों नहीं है शो में, क्योंकि उनको अनाउंस करा गया था, तो इसका रीज़न भी गाइस हमें पता लग चुका है कि उनके कोई फैमिली रीजंस थे जिसकी वजह से उनको इंडिया आना पड़ गया, और वो US में नहीं थी तो वो टेपिंग में नहीं आ पाई, और उनके लिए एक वीडियो पैकेज दिखाया गया था जो कि एक जेस्चर था WWE की तरफ से ताकि बिल्कुल उनको शो से बाहर ना निकाल दिया जाए। इसके अलावा हमें द ग्रेट खली का भी एक प्रोमो सुनने को मिला जो कि बेसिकली अपनी टीम के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने कोट सूट पहन रखा था, और यहाँ पे वो रिपब्लिक डे विश करते हैं सारे इंडियंस को, और वो कहते हैं कि मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, एक प्राउड मोमेंट है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब वहाँ तक पहुँच गए हैं और मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा एक्सेल करें। तो ये एक अच्छा मैसेज था द ग्रेट खली की तरफ से गाइज। और इसके बाद आ जाते हैं रिंग के अंदर रिक फ्लेयर, और रिक फ्लेयर यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मेन इवेंट को, और वो यहाँ पे सबको रिपब्लिक डे विश करते हैं। और यहाँ पे गाइज हमें रिटर्न देखने को मिला द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल का। वो आके प्रोमो कट करते हैं, वो कहते हैं मैं इतने समय से यहाँ पे था नहीं, अब मैं वापस आ चुका हूँ और जो भी चीज़ें मेरे को बिलोंग करते हैं वो एक एक करके ले लूँगा। और यहाँ पे बॉलीवुड बॉयज़ आते हैं उनके साथ, और फिर ड्रू मैकइंटायर आते हैं और वो जिंदर की तरफ पॉइंट करके कहते हैं देखो मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन अब तुम यहाँ पे इतने समय से थे नहीं, मैं यहाँ पे WWE चैंपियन
हूँ और आज मेरे पास अपना खुद का एक थ्री मैन बैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो 3MB का यहाँ पे टीज भी देते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे काफी कमाल के तरीके से इंडस शेयर को। इंडस शेयर आते हैं जिनको हम ऑब्वियसली जानते हैं, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये सिक्स मैन टैग हमें देखने को मिलता है। एक चीज मुझे अजीब लगी कि इंडियंस के अगेंस्ट इंडियंस को यहाँ पे क्यों रखा गया, लेकिन ऑब्वियसली जिंदर महाल हील है तो सेंस बनती थी। यहाँ पे भी मैं रिंग साइड पे बैठा हुआ था भाई, और यहाँ पे जो सबसे कमाल की मोमेंट पूरे मैच में थी कि ड्रू मैकइंटायर आउट ऑफ नोवेयर एक क्लेमोर किक लगा लेते हैं यहाँ पे जिंदर महाल को, और मैं उस रिएक्शन में भी आप देखेंगे थंडर डोम में तो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि भाई व्हाट द हेल, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और एट द एंड यहाँ पे एक बार फिर से इंडस शेयर को पिन लेने का मौका मिला, विच इज अ गुड थिंग। और इस मैच के बाद गाइस ट्रिपल एच वगैरह और सारे जो लोग इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा था शो में, ये आते हैं और हमें सेलिब्रेशन फायर वर्क देखने को मिलते हैं एंड द शो गोज ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि ये पहला स्पेशल था और हम चाहेंगे कि बहुत सारे और फ्यूचर स्पेशल हों। WWE के एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली गाइस ये शो बेटर था, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद बहुत ही बेकार परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन उतनी नहीं थी। और अगर अगली बार अब जब ये शो होता है तो इन सुपरस्टार्स के ऊपर प्रेशर है कि हम इससे बेटर डिलीवर कर पाएं और कुछ स्पेशल WWE इंडियन फैंस के लिए कर सके। और वही मैसेज मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर इस कंट्री के अंदर हम WWE नहीं सिर्फ रेसलिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर रेसलिंग को एज अ स्पोर्ट हम चाहते हैं कि इस कंट्री के लोग एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए गाइस हमें इन चीजों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमको ये बात भी जाननी पड़ेगी कि ये अर्ली स्टेज है और आने वाले समय में इसकी पोटेंशियल हमें कल दिख गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।